पहले हाँ पहले जो ये प्लेटफॉर्म्स थे मिस इंडिया और फिर उसके बाद मिस यूनिवर्स मिस वर्ल्ड, बहुत सारे टैलेंट सामने आए और अब और भी ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स हो गए हैं। तो स्पेशली जो छोटे शहर हैं वहाँ से लोगों को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। और मैंने सब बच्चों से यही कहा जो पार्टिसिपेंट्स थे कि ये जो एक्सपीरियंस है आपका, आपके इतने सारे राउंड्स हुए बाहर भी और अब यहाँ मुंबई में, ये जो आप सीख के जाओगे इससे आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। एंड उनकी ग्रूमिंग हुई है और दोस्ती भी हुई होगी एंड उनके साथ उनके फैमिली मेम्बर्स भी हैं जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। बिकॉज मुंबई एक ऐसा शहर है, सब लोग बहुत उम्मीद लेके आते हैं और जो शहर है वो उसका दिल भी बहुत बड़ा है। एंड सो आई विश देम ऑल द बेस्ट। मैंने सभी पार्टिसिपेंट्स को यही कहा कि आपने जो पार्टिसिपेट किया है ये बहुत बड़ी बात है। एंड विनर्स तो खैर एक दो ही होते हैं या तीन होते हैं। आपने बहुत सारे कॉन्टेस्ट में देखा होगा कि ज़रूरी नहीं है जो विन करे, जो नंबर वन आए वही आगे जाके बहुत कुछ कमाल करे। सो द एक्सपीरियंस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बहुत अच्छा लगा और बहुत नर्वस भी थे कुछ लोग। तो अपना टाइम याद आता है कि हम लोग भी जब शुरुआत कर रहे थे तो कितने सारी ड्रीम्स थे, कितनी सारी नर्वसनेस थी, एक्साइटमेंट थी, सो मच। एंड आई जस्ट वांट टू थैंक द ऑर्गेनाइजर्स फॉर इनवाइटिंग मी एंड मेकिंग मी पार्ट ऑफ दिस सो आई कुड इनकरेज ऑल द पार्टिसिपेंट्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड अटेंशन। Thank you. And I want to wish Miss Universal all the best and the Recovers Academy. I want to wish them the very best. Thank you. आ जाओ आ जाओ।